हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम जल्दी से एक रिव्यू करने वाले हैं न्यू होंडा सिटी 2023 फेसलिफ्ट का। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बारे में, इसके फीचर्स, प्राइस, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करेंगे हम फ्रंट फेसिया से। ठीक है, सब कुछ लुक सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो आपकी क्रोम की ग्रिल पहले चौड़ी चौड़ी सी होती थी, क्रोम की ग्रिल को पतला कर दिया है, जो स्लीक लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सामने आप होंडा का लोगो देख सकते हैं, जो अब पहले से अच्छा उभर के आ रहा है, क्योंकि क्रोम से पहले छुप जाता था। अब आप देख सकते हैं ये ग्रिल, कुछ इस टाइप की आपको ग्रिल देखने को मिलेगी। और अब साइड में आएंगे, बात करते हैं लाइट्स की। तो लाइट में आपको यहाँ पे 9 एरे डिजाइन मिलेगा, वही नीचे आपको DRL प्लस इंडिकेटर दोनों साथ में इंटीग्रेटेड दिए हुए हैं। अब वही नीचे आते हैं थोड़ा, तो आपको यहाँ फॉग लैंप मिलेगा। और ये पूरी हाउसिंग ना चेंज कर दी गई है, ये एडिशनल डाला गया है, पूरी हाउसिंग चेंज कर दी गई है, ये एडिशनल डाला है। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन फाइबर बम्पर लिप इसमें एड ऑन कर दी गई है, जो आप इस कार को पूरा स्पोर्टी लुक देने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया आपका इसका फ्रंट फेसिया। और बाकी कुछ इस कार में आपको चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बोनट देख लीजिए, बोनट तो यही क्रीच है और सेम है, ज़्यादा कुछ अलग इसमें डिफरेंस वगैरह नहीं आता है। डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको इसमें एडास देखने को मिलता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, ZX वेरियंट है, जिसमें आपको एडास के फीचर्स भी एड ऑन कर दिए गए हैं। अब साइड से एक बार आ जाते हैं। चलो, टाइम का अभाव है, थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए तो हम जल्दी जल्दी कवरअप करेंगे। अगर आप साइड में आएंगे तो एक अप क्रीच देख सकते होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंगल क्रीच गाड़ी के बॉडी लाइन में दी गई है, जो कि इसको एग्रेसिव लुक देती है। इवन आप देख सो आपके ना फ्यूल लिड पे भी यहाँ पे क्रीच दी हुई है। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर पिलियन साइड में भी देखने को मिल रहा है, वो पैसेंजर साइड में भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है और दूसरी साइड में भी है। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर में आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं आपके रियर व्यू मिरर में। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लेन वॉच कैमरा दिया हुआ है। जब भी आप इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, तो आपको ये लेन वॉच, मतलब ये कैमरे का व्यू आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आ जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो इसमें आपको 185/55 R16 16 इंचेस के व्हील मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज किया गया, आप अगर ये देखेंगे पहले ऐसा नहीं आता था, और ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। होंडा का लोगो आप बीच में देख सकते हैं। अब आते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में सार्कफिन एंटीना, डिफॉगर, मिडिल में सेंटर माउंट आपका स्टॉप लैंप है। एक जो चीज़ ऐड कर दी गई है वो है आपका ये, ठीक है, इसको डिफ्यूज़र, आपका ये कार्बन फाइबर में डिफ्यूज़र यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। सिटी का बैजिंग आप देख सकते हैं, जो आपका इंडिकेटर, ये आपके टेल लाइट्स हैं, टेल लाइट्स एकदम सेम है, पहले जैसी हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो एडिशनल दिया गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये कार्बन फाइबर ऐड कर दिया गया है, जो कि इसको पीछे से भी स्पोर्टी लुक देता है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए, और ये पूरा सेटअप ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, जो आपको पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। पीछे से ज़्यादा कुछ नहीं है। बूट स्पेस में आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। आप बूट स्पेस यहाँ देखेंगे तो आपको टॉप ऑफ द लाइन 506 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। एक बार हम इसके स्पेयर टायर की तरफ नज़र मार लेते हैं। स्पेयर टायर आपका उसमें दिया हुआ है, स्टील रिम दिया हुआ है, प्लस एक साइज छोटा है 175/65 R15 15 इंच का स्पेयर टायर आपको दिया हुआ है। बूट स्पेस मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप एक हेलोजन वाला वो देख सकते हैं लाइट, लेकिन ये हेलोजन है, LED होनी चाहिए थी अगर टॉप वेरियंट है तो। प्लस ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन चलिए, तारे नंगी हैं लेकिन चलता है, चलेगा। ये जो हिंज है आपका बंद करते टाइम सामान से अड़ता है, तो ये चीज़ चेंज करनी चाहिए होंडा को भी। आपने टाटा में देखा होगा, टाटा ने अडॉप्ट कर लिया ये चीज़। तो ये तो होगा आपका बैक प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक सनरूफ देखने को मिल जाती है, छोटी सी है लेकिन ठीक है भैया, वक्त की मांग है, डिमांड है। अब एक बार अंदर चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं आपके ड्राइवर साइड की तरफ। तो डोर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड में आप देखेंगे, आपको यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स, ये एडजस्ट करने के लिए आपका साइड मिरर, यहाँ पे आपको ट्विटर के प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये आपका सॉफ्ट टच है, बेज कलर में है, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, ये भी थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे बॉटल होल्डर, प्लस आपका अम्ब्रेला होल्डर की जगह तो मुझे नहीं लग रही, अम्ब्रेला तो नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। गाइस, बात कर लेते हैं सीट की, ठीक है, पहले बाहर से आप सीट की बात कर लेते हैं। सीट यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड नहीं है, परफोरेटेड है, तो सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। प्लस आपको यहाँ देख सकते हैं मैनुअल एडजस्टमेंट है, टॉप ऑफ द लाइन में भी मैनुअल एडजस्टमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
चलिए अब अंदर आ गए ना, मैं आपको पहले चाबी दिखा देता हूँ उसकी। देखिए चाबी आपको ये दिखेगी जिसमें लॉक अनलॉक बूट ओपन का बटन प्लस ये क्या है होल्ड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका ये स्टार्ट हो जाएगा। ये उसके लिए होगा। तो दो आपको की स्मार्ट की दोनों इसमें मिलेंगी, प्लस इसमें आपको साथ में वाली फिजिकल की भी आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो सर का सारी कार्यों में लगभग सेम होता है, ठीक है। तो ये फीचर तो हो गया। अब आप बात कर लीजिए इसके कंसोल की, ठीक है। तो कंसोल आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ट्रैक्शन मिलता है, प्लस हेडलाइट लेवलर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्टअप स्विच मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑटो हेडलाइट्स, और साथ में आपको यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है ऑटो आपके वाइपर्स हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स प्लस ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन दिया हुआ है, ये बेसिकली हमको लगता है समझ में नहीं आता किसी चीज़ के, लेकिन यहाँ पे ना लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए है, प्लस माइनस। तो लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो जाएगी तो रात में ड्राइव कर रहे तो उतने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे 7 inches का इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करता है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आपको एसी की बात करें तो ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब वहीं थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, और यहाँ पे कहीं भी वायरलेस चार्जिंग का मुझे हिसाब किताब नहीं लग रहा, बेसिकली फ़ोन रखने की ही जगह नहीं है तो वायरलेस चार्जिंग कहाँ से मिलेगा, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं दो आपको USB पोर्ट मिल रहे हैं, एक चार्जिंग के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। एक 12 वोल्ट का आपको सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये आपका इकोनॉमी मोड है, बेसिकली अगर आप कार चला रहे हैं तो फ्यूल कंजम्पशन कम हो उसके लिए आप इकोनॉमी मोड आपको यहाँ दिया हुआ है। प्लस आपका ये आप देख सकते हैं CVT गियर बॉक्स है, इसमें CVT गियर बॉक्स है जिसमें ऑटोमेटिक है। अब इसमें ज़्यादा क्या ही बताना, अभी फिलहाल पार्किंग मोड में है। पीछे आएंगे तो हैंड ब्रेक आपको मिलेगा जो कि मैनुअली है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए था। प्लस थोड़ा सा आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो IRVM देखने को मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक है क्योंकि इसमें मैनुअली कोई स्विच नहीं थे, ऑटोमेटिक ही होंगे। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED लाइट्स, स्टडी लाइट्स कह सकते हैं, जो भी लाइट कह लिए ये लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सनरूफ ओपन करने के लिए स्विच मिल जाएगा। ड्राइवर साइड मिरर की बात करें तो इसमें देखते हैं आपको वैनिटी मिरर मिलेगा ड्राइवर साइड में भी, और को पैसेंजर भी आएंगे तो आपको को पैसेंजर साइड में भी वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और साथ में इसमें शायद लाइट वाइट होगी कि नहीं होगी, लाइट का नहीं दिया हुआ इसमें प्लेसमेंट। इधर भी देख लें एक बार, इधर भी लाइट की प्लेसमेंट नहीं है, वरना लाइट होनी चाहिए यार, इसमें लाइट की प्लेसमेंट नहीं है। बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख सकते हैं ये केवल आपका एनालॉग है, ये बाकी पूरा डिजिटल है। फ्यूल कंजम्पशन वगैरह, ये आपका उसका RPM मीटर हो गया, नीचे आपका फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कितना बचा है क्या बचा है वो सब यहाँ दिखाता है। बाकी सारा ये आपको डिजिटल मिलता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एनालॉग है, ये पूरा डिजिटल है। चलिए स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल पर अगर आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है कम ज़्यादा करने के लिए। ये आपका लेन असिस्ट है जो आपका एडास में हेल्प करेगा, आपको एडास फंक्शन के साथ ही आता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वॉल्यूम प्लस माइनस, आपका फ़ोन कनेक्टिविटी के फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, प्लस आपका यहाँ पे अगर सोर्स चेंज करना है, ब्लूटूथ वगैरह अगर कनेक्टिविटी है तो ये सब आप चाहें तो इससे कर सकते हैं। एक बार ना इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप देख लो, इंफोटेनमेंट स्क्रीन कुछ इस तरह की है, इसका टच पता नहीं कैसा है, एक बार देख लेते हैं चला के। तो इस तरह का आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इसका एक बार होम पे जाते हैं, होम ये होम बटन है, तो इस टाइप का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और दिखा दूँ, आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे वुडन टच यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये वुडन टच केवल इधर तरफ है और कहीं पे भी नहीं है। इधर भी आप देख लो कहीं पे भी वुडन टच नहीं दिया। थोड़ा सा और अगर चाहते तो इस डोर पैनल पे भी कहीं वुडन टच दे सकते थे जो थोड़ा सा और इसको एड ऑन कर देता। अगर आए हम रियर सीट्स में तो रियर सीट्स में आप देख सकते हैं, आपको डोर पे एक बार दिखा दो, डोर पे आपको देखो केवल एक आपको हार्ड टच मिल रहा है, यहाँ सॉफ्ट टच है और कुछ भी नहीं है। विंडो का कंट्रोल है, नीचे कुछ सामान रखने के लिए, प्लस स्पीकर की प्लेसमेंट है। सीट की बात करें तो सीट में आपको तीनों में हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और मेरे ख्याल से बीच वाला एडजस्टेबल नहीं है, कोई भी एडजस्टेबल नहीं है, केवल फ्रंट वाले आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। एक चीज़ मैं भूल गया बताना, ये सनरूफ, ठीक है, ये सनरूफ आपको मिलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा साइज़ में बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरत है मार्केट के हिसाब से सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। अब यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे AC के वेंट्स मिलेंगे। पीछे पावर आउटपुट आउटलेट की बात करें तो 2 12 वोल्ट के सॉकेट दिए, लेकिन कोई भी USB पोर्ट पीछे नहीं दिया है, लेकिन सही है ये दे दिया तो इससे बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। अगर जैसे गाड़ी में टायर वायर में हवा भरनी है तो पीछे वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, प्लस कुछ वैसी डिवाइसेस भी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीट के पीछे स्पेस मिलता है देखने को,
और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है और सब कुछ मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन की, तो दोस्तों इसमें 1500 cc का इंजन मिलेगा जिसमें आपको मिलेगी 119 BHP की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आपको केवल पेट्रोल में ये मिलेगा, ठीक है। डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो गया है। काफ़ी नीट एंड क्लीन इसकी प्लेसमेंट दी गई है। एवरेज जो निकल के आएगा इस कार का वो आएगा आपका 18.4 kmpl। कंपनी जो है क्लेम करती है, ARI जो माइलेज है कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मेरे ख्याल से 15-16 तो देनी ही चाहिए। कुछ और चीज़ जो मैं बता दूँ आपको, जो गाड़ी की लेंथ है 4549 mm की लेंथ है, 1748 mm की विड्थ है और 1489 mm की इसकी हाइट है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको 6-6 एयर बैग कार में आपको देखने को मिल जाएंगे। कार काफ़ी बढ़िया है। प्राइस वगैरह मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे जो भी इसका एक्चुअल प्राइस आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।